फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर किया था, वो मेरा ऑर्डर आ गया है। इसे ना यहाँ पे रख देते हैं, अनमोल बाद में इसे टच करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। गाइस मैंने ना बालों में तेल डाल लिया है, अभी तो मैंने हल्का हल्का सा तेल डाला है, क्योंकि पता है बिना तेल के ना बाल बहुत अजीब से हो रहे थे, और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो मैंने डाल लिया, मैंने कहा चलो ऊपर ऊपर से डाल देती हूँ, और मेरा पानी चल गया। तो आज मेरे हस्बैंड जाएंगे, तो बस मैं उनके लिए तैयारी कर रही हूँ, आज उनका एग्ज़ाम है उसका SI का, तो बस हम तैयारी कर लेते हैं, भगवान करे वो पास हो जाए, अच्छा से उनका एग्ज़ाम आए। तो चलो मैं उनके लिए तैयारी करती हूँ, आज मैं कुछ बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी क्या बनाऊँगी, बैंगन का भरता बनाती हूँ, उनको पसंद है, उनको पसंद नहीं है, हमको पसंद है, फिर हम अपनी पसंद का खिला के भेजेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में ना मैं धनिया वगैरह मैंने मंगाया था बहुत सारा, तो इस बार मैंने क्या करा है, मैंने धनिया को वॉश नहीं किया है। आप जब भी धनिया डालें ना किसी भी चीज़ में तभी वॉश करें, ऐसे ही उसको रख दें, वो क्या होता है गीला होके ना फिर ख़राब हो जाता है जल्दी से। तो यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जाएंगे मिशन पर, मिशन ही है वो एक के तरह का, बहुत एग्ज़ाम हुए हैं, बहुत बच्चों ने दिए हैं, और अच्छा भी गया है सब लोगों का, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बैंगन का भरता, तो तभी भी आप बैंगन का भरता बनाए ना, तो मैंने बहुत से घरों में देखा है कि वो बैंगन को ना ऐसे के ऐसे ही रख देते हैं, भैया ये जो सीजन चल रहा है ना इसमें कीड़े वीड़े बहुत आते हैं, तो बीच में से थोड़ा सा कट लगा लें, उसमें से ही पता चल जाएगा कि ये साफ़ है, साफ़ सुथरा बैंगन है, एकदम दिख भी जाता है। तो मेरे सारे बैंगन हो गए थे, और मैं हमेशा ना ऐसे करके ही बैंगन भून लेती हूँ, और जब उसका थोड़ा सा ये ब्लैक ब्लैक ऊपर निकलने लगता है ना, तो उसे आप उतार लीजिए, मेरे सारे बैंगन ऐसे ही भून गए थे। तो यहाँ मैं ग्रेवी के लिए तैयार कर रही हूँ प्याज और टमाटर का पेस्ट, तो मैंने टमाटर प्याज को पेस्ट बना लिया है, और यहाँ देखिए मेरे बैंगन अच्छी तरह हो गए थे, तो मैंने बैंगन को अच्छी तरह छील लूँगी, मैंने इसे ठंडे पानी में नहीं डाला है, क्योंकि मैंने उन्हें इस तरह से भुना है, वो बहुत अच्छी तरह से उनका छिलका उतर रहा था। तो यहाँ चलो तैयारी करते हैं बैंगन का भरता बनाने की, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल ज़्यादा लिया है, क्योंकि भरते वगैरह में ये चीज़ अच्छी लगती है तेल वेल ज़्यादा हो, और उसमें मैंने फिर हींग और जीरा डाला है, और यहाँ डाल दूँगी मैं प्याज का पेस्ट। तो ये देखिए थोड़ा चिड़चिड़ की आवाज़ तो करते ही है, तो यहाँ देखिए यहाँ ये कलर इसका जब ऐसा हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए ना, तो उसके बाद आपको सारे जो मिर्च मसाले हैं वो ऐड कर देने हैं। तो मिर्च मसालों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर ये सब अभी ऐड किया है, मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी कोई भी। उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने टमाटर के पेस्ट को ना दरदरा ही रखा था। तो उसके बाद जब आपका जो बैंगन है वो उसको ना आप इस तरह से मैशर होता है सबके घर में, उससे ही मैश करें, मिक्सी ना करें, क्योंकि थोड़ा सा बारीक ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा दरदरापन होगा ना, तो वो बैंगन का जो भरता होता है वो अलग ही टेस्ट होता है, और आप उसे चटनी की तरह एकदम पीस लोगे तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये बैंगन का भरता है क्या है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो उधर मेरा बैंगन का भरता तैयार हो रहा था, तो यहाँ बना रही हूँ मैं चटनी। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं बैंगन का भरता, पर जब मैं बनाती हूँ ना तो बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ मैंने धनिया टमाटर की और प्याज की इन सब की चटनी बनाई है, बहुत टेस्टी बनी थी। तो उसके बाद मैं मिक्सर को भी साफ़ करके एकदम रख देती हूँ। मेरा बैंगन का भरता बन गया, मेरा नहीं मतलब बैंगन का भरता मैंने बना लिया, और ना बहुत ही यम्मी बना है, मैंने अभी थोड़ा सा चख के भी देखा, ये देखो आज वाला जो भरता है वो ज़्यादा यम्मी बना है, क्योंकि मैंने थोड़ा टमाटर को ना थोड़ा सा बारीक नहीं पीसा था मिक्सी में, थोड़ा सा दरदरा सा रखा था, तो इससे ना अच्छा फ्लेवर आता है, और बैंगन को भी मैंने दरदरा सा रखा था। तो फ्रेंड्स मैंने ना कुछ फ्लिपकार्ट से मंगाया था, अभी तो 2-3 आइटम और रह गए हमारे आने के, तो मैं दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे सबर नहीं हो रहा। मैंने सोचा आज खोलने से पहले ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये वाली सीनरी पर हमने ना 3 मंगाई थी, तो हम मुझे लगता है कि ये हमको रिटर्न करना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें तो कहीं लगाने वाला सिस्टम भी नहीं है। ये ना उसमें हमको तीन दिखा रहे थे और ये एक ही है, मतलब इनके जो अगल बगल में थी ना तीन, दो थी उसमें मोर पंख लगे हुए थे, वो नहीं है, ये एक ही आई है। तो इसीलिए मैं ना कभी कुछ ऑर्डर नहीं करती। ये देखो एक ही इसमें भेजी है। तो ये मुझे सही ही बोलते हैं, इन्होंने मेरा नाम रखा है बहन, मतलब पागल। तो ये ना इसमें चुपक रही थी, मुझे लगा कि एक ही भेजी है, पर नहीं, मैंने बोला था ना उसमें मोर बने हुए थे साइड में, इस तरह से हैं ये दो, मतलब ये दोनों ना ऐसे साइड में लगनी और बीच में ना ये वाली कान्हाजी वाली राधा मैया वाली लगी थी। तो ये तीन ही है और एक ये है। तो गाइस यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मैं रोटी बनाने की, और मैं आपको बता दूँ अपने आप को कभी भी ज़्यादा होशियार मत समझना, क्योंकि आपसे ज़्यादा भी बहुत लोग होशियार होते हैं। जैसे कि वो मेरी एक ही तस्वीर, मैं दो तस्वीर और चुपटी हुई थी पर मुझे एक ही दिख रही थी इसलिए। तो यहाँ हमारा खाना रेडी है, आप लोग भी कर लीजिए। और ये कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता खाना। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मुझे ना थोड़ा सा लेट हो गया नहाने में, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं SI का एग्ज़ाम देने। और पता है आज मैंने ना ये वाला सूट डाला हुआ है, तो ये वाला सूट ना मैंने बिगाड़ दिया है, क्योंकि मुझे इसकी जो फिटिंग है अंटियों वाली लग रही है, अच्छी नहीं लग रही। मतलब मैं थोड़ा सा वैसा होता ना तो ठीक लगता है। और इसके नीचे पहनी है मैंने पजामी, सलवार जिसे बोलते हैं वो पहनी है। तो बस मैं तैयारी कर रही हूँ थोड़ा सा पूजा पाठ की, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं SI का एग्ज़ाम देने, वो क्लियर हो जाए, अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे ना ये खाना खा रहे थे और हम आपस में कुछ बात भी कर रहे थे। तो आज मैंने देखी पूरा देसी लुक डाला हुआ है, तो ये रेडी हो गए हैं जाने के लिए अपनी मशीन पर अपने एग्ज़ाम के लिए। और तो मैं यहाँ इनका बस थोड़ी सा आरती उतर रही हूँ, और आज ना मैं उन्हें दही और चीनी खिला के भेजूँगी। कहते हैं मीठा खिला कर भेजो तो सब काम अच्छे होते हैं, ऊपर वाले की कृपा है, वो अच्छे नसीब करेगा सबके हमेशा जो भी परेशानी है सबको दूर करेगा। तो यहाँ देखिए हमारे पूज्य अधिकारी सत्कारी बेटा, तो बस ये निकल गए हैं। मन में थोड़ा सा हुतहुता तो है कि आगे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बस हम लोग बहुत खुश हैं। देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता, वैसे भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। ये निकल गए, तो जब ये निकल गए थे ना तो उसके बाद मेरे बाल बहुत गीले थे, तो बस मैंने सुखा लेती हूँ। तो गाइज मेरे हस्बैंड चले गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैंने बस थोड़ा सा बालों को सुखाया है, क्योंकि सीज़न ऐसा है कि सर्दी होने के चांस रहते हैं, और वैसे भी कोल्ड हो रखा है जब से हम ससुराल से आए हैं, तो अभी भी ना ढंग से सुखाए नहीं। तो मेरा ना वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि उन्हें आता हो, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड का जो ड्रीम है ना वो बहुत ही वो सोचते हैं अपने लिए, और वो एक ऐसे इंसान है कि उनके साथ कोई गलत भी करता है ना तो वो उसके लिए गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन फील करते हैं, वो गलत नहीं सोचते लेकिन बहुत फील करते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी किसी का गलत नहीं करते हैं, चाहे वो जानबूझकर हो चाहे अनजान में हो, वो ये बंदा कभी किसी के साथ चीट नहीं करता है। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। देखिए मेहनती भी दो प्रकार की होती है, एक मेहनती वो होता है कि मेहनत करके छोड़ देता है, और एक मेहनती वो होता है कि बस उसे पाना है अपनी मंजिल को, चाहे वो उस मेहनत को करता ही रहे ज़िंदगी भर। तो मेरे हस्बैंड उन्हीं में से हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब बहुत मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि जो मेरी शादी है इनसे हुई है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बस बयान नहीं कर सकती शब्दों में। तो अब गए ना तो थोड़ा सा बोल रही थी कि अनु देखो भगवान से प्रे करना कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाए। मैंने कहा आपने मेहनत की है, अब देखो ऊपर वाला जो नसीब लिखता है वो अच्छा ही लिखेगा। तो हम मैं आगे ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्या वो नो मेरा मन नहीं करता, पर कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रखूँ। अभी तो फ़िलहाल हम थोड़ा सा हाँ लेटेंगे, माँ बेटा थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे, मम्मी सब करेंगे।